नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। झांसी जिले के महान समाज सेवी कर्मयोगी दिलीप पांडे को विश्व हिंदू महासंघ का महानगर अध्यक्ष पुनः बनाए जाने पर तमाम संगठनों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनको सम्मानित किया। इससे पूर्व विश्व हिंदू महासंघ के धर्माचार्य प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रमुख हरिओम पाठक ने दिलीप पांडे को माला पहनाकर और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। इस मौके पर धर्माचार्य हरिओम पाठक ने कहा कि दिलीप पांडे ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं जिनके लिए शब्दकोश में शब्द नहीं। उन्होंने लॉकडाउन काल में गरीब, बेसहारा और विकलांगों की हर संभव मदद की। इस दौरान उनके 3 परिजनों का भी निधन हो गया, लेकिन कर्मवीर दिलीप पांडे ने लोगों की मदद करने का काम नहीं छोड़ा। वो आज भी गरीब, बेसहारा और विकलांगों की मदद कर रहे हैं। वो समाज के ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने जात पात न देखकर हर वर्ग की मदद की है। हिंदू संगठन के महानगर अध्यक्ष होने के बावजूद उन्होंने धर्म की राजनीति न कर सभी जाति धर्म के लोगों की मदद की, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। वहीं आज पंचवटी स्थित महानगर कार्यालय पर तमाम संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनके पुनः विश्व हिंदू महासंघ के महानगर अध्यक्ष बनने पर माल्यार्पण कर उनका सम्मान किया। इस मौके पर पंकज तिवारी, दीपक वर्मा, राजा भैया परमार, सुमित साहू, ललित कुशवाहा, अनुपम शुक्ला, रोहित कुमार, सत्यम साहू, पवन कुशवाहा, ऋषभ भूपेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह, शिव सिंह, रोहित झा, शिवा साहू, राजा रैकवार आदि मौजूद रहे। आभार ऋषभ झा ने व्यक्त किया। आज आपके कार्यालय में कुछ सदस्य लोग आए थे झांसी के, तो क्या कार्यक्रम रखा गया आज? देखिए, एक हमारी संस्था है माननीय योगी जी, उसके अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू महासंघ, उसका मुझे पुनः महानगर अध्यक्ष बनाया गया है। उसके लिए ये लोग सब, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, ये लोग सब लोग आए थे, मुझे बधाई है।